अच्छा, कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो पॉलिसीज आई हैं, गाइडलाइन आई हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के जितने मेंबर्स हैं उनके लिए, तो वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये थोड़ी वीडियो डिटेल में होने वाली है। अगर आप एंड यूज़र हैं तो ये आपके लिए एक फॉलो अप है, आपको समझ आ जाएगी। नोटिफिकेशन तो आप तक मिल चुके होंगे, बट बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनको नोटिफिकेशन की कोई खास समझ नहीं आई होगी, तो मैं थोड़ा वजाहत कर देता हूँ डिटेल के साथ। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की। ट्रांसफ़र पॉलिसी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। सबसे पहला हिस्सा रखा गया है 5 अगस्त 2023 से 31 मार्च 2024 तक, और दूसरा हिस्सा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2024 तक। अच्छा, पहले हिस्से में उन्होंने क्या कहा, 2017 के जितने भी जो प्लाट्स हैं वो कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, जब आर ड्यूज क्लियर हो जाएंगे वो तब आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2018 के जो एक्टिव प्लाट्स हैं वो ट्रांसफ़र तब होंगे जब आपकी 65% पेमेंट, ये पहले एक से भी मैं बात कर रहा हूँ, 65% पेमेंट आपकी जब क्लियर हो जाएगी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 2018 के प्लाट या फाइल्स। 2019 के जो एक्टिव प्लॉट्स हैं वो आपके 50% पेमेंट से, जब आप 50% पेमेंट क्लियर करेंगे तब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये तब तक कर सकते हैं 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। 2020 के जो एक्टिव प्लॉट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं 3 क्वार्टर, उसकी टोटल अमाउंट है उसको क्वार्टरली आप देख लें कितने हिस्से बनते हैं, 3 क्वार्टर अगर आप उसके पे कर सकते हैं तो आप ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2021 के जो प्लॉट्स हैं एक्टिव प्लॉट्स हैं उनके 2 क्वार्टर आप क्लियर करें इंस्टॉलमेंट के, फिर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2022 के जो प्लॉट्स हैं इसकी 20% पेमेंट क्लियर करके आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह 2023 के जितने प्लॉट्स हैं उसके भी आप 20% पे करें और आप ट्रांसफ़र करें। ओपन जो कमर्शियल की आपने फाइल्स रखी हुई थी ये 31/12/2022 से पहले पहले नॉन कैंसल फाइल जो आपके पास हैं वो 60% पे करेंगे तब आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये एक हिस्सा था जो कि 6 अगस्त 2023 से 31 मार्च 2024 तक ये पॉलिसी है। अब 31 मार्च से आगे 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 2024 तक कौन सी पॉलिसी है वो आप थोड़ा मुलाहिज़ा फरमाएं। 2017 से एक्टिव जो प्लॉट्स हैं या फाइल हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं आप क्लियर करने पे, ड्यूज क्लियर करेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है 2017 की फाइल चाहे वो पहले हिस्से में है चाहे वो दूसरे हिस्से में, वो ऑल ड्यूज क्लियर होंगे तब ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। 2018 में जो फाइल्स हैं वो दूसरे हिस्से के, जो पहले हिस्से का मैंने समझा दिया, दूसरे हिस्से में 85% तक पेमेंट आप क्लियर करेंगे। फिर 2019 की जो एक्टिव फाइल्स हैं वो 65% तक पेमेंट क्लियर करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2020 की जो एक्टिव प्लॉट्स या फाइल्स हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 50% पेमेंट तक। 2021 के जो एक्टिव प्लॉट्स हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 2021 के 3 क्वार्टर्स पे करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2022 के प्लॉट आप ट्रांसफ़र कर, एक्टिव प्लॉट ट्रांसफ़र कर सकते हैं 2 क्वार्टर्स आप पे करेंगे तब आप वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 2023 के जो आपके एक्टिव प्लॉट्स हैं या 2023 के जो प्लॉट्स हैं वो आप ट्रांसफ़र करेंगे 20% पेमेंट पे करके आप वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने ओपन कमर्शियल के रखे हुए हैं, नॉन कैंसल कमर्शियल हैं आपके पास, वो आपके ट्रांसफ़र होंगे 75% पेमेंट क्लियर करेंगे, ये आपके ट्रांसफ़र होंगे 31 दिसंबर 2024 तक। ये पॉलिसी आप इसके मुताबिक आप चल सकते हैं। 2025 में क्या पॉलिसी आएगी वो 25 में देखते हैं। ये थी ट्रांसफ़र पॉलिसी।